demographic profiling of future India. भविष्य में भारत का प्रोफाइलिंग क्या होगी जनसांख्यिकी वाली, ठीक है, क्लियर। आपको हम बता दें, हम लोगों के साथ जो इसके पहले का जनरेशन थे उसको बेबी बूमर्स कहते थे, यदि आपको याद आ रहा हो तो, बोलते थे क्यों भाई, बेबी बूमर्स बोलते थे ना हम लोग। तो जब हम बेबी बूमर्स बोलते थे, इसका मतलब ये हुआ उस समय बच्चे ज्यादा पैदा होते थे, और एक हमारा TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, और एक होता है रिप्लेसमेंट रेट। मतलब रिप्लेसमेंट रेट वो होता है कि जितने बच्चे हों कि वो आगे वाले समय में, भाई पति पत्नी हैं तो दो के दो होंगे तो वो ठीक चलेगा, लेकिन कुछ मरते भी हैं। तो इस पे बात ये हुई कि भाई 2.1 TFR होगा तो स्टीडी पॉपुलेशन होगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी, ठीक है, यही है ना। 2.1 यदि रहेगा तो ना बढ़ेगी ना घटेगी, ये हमारा सबसे बढ़िया तरीका होता है। लेकिन यदि आप देखेंगे तो हमारे यहां पर 1950 में TFR था 6.18, कितना था 6.18, 1980 में हो गया 4.60, और 2021 में जो एस्टिमेट आए हैं वो है 1.91, 1.91। ठीक है, अब जो TFR है, ये जो बड़े राज्य हैं बिहार, बंगाल, पंजाब, यूपी, इसमें आपको क्या लगता है, बंगाल का TFR ज्यादा होगा या बिहार का TFR ज्यादा होगा, बंगाल का या बिहार का? हाँ बोलो, बिहार का, शाबाश। और बंगाल का कम होगा, ये बात सच है। मतलब यदि देखा जाए तो 1.6 फॉर पंजाब है, 1.6 फॉर बंगाल है, 3 है बिहार का। ये रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये 2050 तक 1.29 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया की पॉपुलेशन कम होने की राह पर जा रही है, और यदि ऐसा है तो कहीं हम भी चाइना के तरह से तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को कम करने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी की थी, और अभी वो कह रहे हैं कि भैया बच्चे पैदा करो ज्यादा से ज्यादा, कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर एजेड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है। इंडिया भी यंग कंट्री है, आगे आने वाले समय में बच्चे यदि कम पैदा होंगे तो फिर बूढ़ा देश हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये चीजें हैं। अब क्यों कम हो रहा है, तो यदि आपको याद होगा तो हमारे यहां पर पोस्ट इंडिपेंडेंस लगातार पॉपुलेशन कंट्रोल पर जोर दिया गया, ठीक है, कैसे दिया गया, पहले आपको याद है कि
पुरानी किताब उठाना, कभी पॉपुलेशन कंट्रोल पे लिखा रहता था, पति पत्नी खड़े रहते थे, बीच में एक हाथ पकड़ के एक बच्चा और इधर एक बच्चा, एक एक बच्चा, मतलब हम दो हम आए तीन, ये तीन बच्चों की बात करते थे। परिवार में क्या इतना होना चाहिए, तीन बच्चे होने चाहिए। फिर नारा आया हम दो हमारे दो। तो लोगों की साइकोलॉजी में हो गया ना, हम ज्यादा बच्चे क्यों पैदा कर रहे हैं। फिर आ गया शेर का बच्चा एक ही अच्छा, आया कि नहीं आया। आप बच्चे ज्यादा पैदा करके क्या करेंगे जब आप उनको अच्छी जीवन नहीं दे सकते, पता नहीं क्या क्या बकर की गई। और मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चे आपके उतने होने चाहिए जितना आप फाइनेंशियली उनको अच्छे से पढ़ा लिखा लो। देश के हिसाब से चलना चाहिए ना अपने को। तो अभी हमको कहना पड़ेगा भैया दो बच्चे तीन बच्चे पैदा करो, कोई बुराई नहीं है इसमें। क्योंकि सिंगल चाइल्ड पॉलिसी की एक बड़ी परेशानी और है कि आगे आने वाले समय में उसके लिए इमोशनल स्ट्रेंथ कौन बनेगा। सिबलिंग्स होते हैं इमोशनल स्ट्रेंथ, होते कि नहीं होते। आगे आने वाले समय में लोग भूल जाएंगे कि चाचा किसको कहें, चाची किसको कहें, बुआ किसको कहें, फूफा किसको कहें, मामा किसको कहें, मौसी किसको कहें, मामी किसको कहें, मौसाजी किसको कहें, भाई किसको कहें, बहन किसको कहें। ये सब इमेजिनरी वर्ड्स हो जाएंगे। सपोज यू हैव अ ब्रदर, तो बच्चा पूछेगा सिंगल चाइल्ड पॉलिसी वाला कि मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ ब्रदर। एक पूछेगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ अ सिस्टर। तो यदि ये हमारी थ्योरी बन रही है कि 2050 तक 1.29 हो जाएगा TFR, तो हमें आज से कोशिश करनी पड़ेगी कि TFR को हम 2.1 पर मेंटेन करने की कोशिश करें। ठीक है, दूसरी चीज फीमेल लिटरेसी हुई। ठीक है, और उनका वुमेन वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पढ़ा, वुमेन वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पढ़ा, बढ़ा। तो उन्होंने कहा कि करियर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फैमिली। तो उन्होंने भी बना किया कि नहीं साहब इतने बच्चे तो नहीं पैदा करेंगे, आई एम नॉट अ मशीन टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, बेबी मूमर तो नहीं है हम। ठीक है, और तीसरा रेयरिंग केयरिंग कॉस्ट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को पालने पोसने का खर्च। लोग लगता हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे यदि बच्चों पे हम खर्च कर देंगे, बड़ी परेशानी वाली बात है। ऐसा थॉट प्रोसेस कि नहीं है, है ना, थॉट प्रोसेस ही है। तुम लोगों में से कितने लोग चाहते हो बच्चे तीन चार हो। विनोद तेरी शादी हो चुकी है, क्यों दो, दो क्यों? अरे दो क्यों ये बताओ ना, महंगाई ज्यादा तो क्या हो, कमाओ ज्यादा, तुम बताओ ना भाई। देश को तुम क्या एकदम जनसंख्या विहीन कर दोगे, अगले आने वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी, हिंदुस्तान इतना खाली क्यों है, और शोले वाले बब्बा पूछेंगे इतना सन्नाटा क्यों है भाई। तो ये क्वेश्चन है कुछ हमारे जिसकी वजह से हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि
आगे आने वाले समय में यदि पॉपुलेशन कम होगी तो क्या होगा? अभी तो मतलब 1.99 तक तो ठीक कर लेंगे, बुढ़ापा आ जाएगा ना जल्दी, वो ज्यादा परेशान है, क्योंकि एक बार यदि कम होना शुरू हो गया 1.291 के आसपास आया तो आप ये मान के चलना फिर आप अपने यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ा नहीं पाओगे। हाँ हाँ है ना, आज ही आया है, हाँ शायद किसी हिंदी पेपर में है, भास्कर में, हाँ था वो, तो वहां पर न्यू वोटर्स आर लेसर देन द ओल्ड वोटर्स, ये आया शायद, है ना, हाँ फिर हाँ, तो अब क्या करोगे तुम बताओ, बड़ा क्वेश्चन है हमारे लिए। तो इस चीज को मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा तुम इसको समझो, ये क्वेश्चंस वैसे नहीं है जो तुम्हें लग रहा है, क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपसे डिस्कशंस और डिबेट्स में जाएंगे, क्वेश्चंस जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे ना, डिस्कशंस और डिबेट्स के मामले हैं ये सब, याद है ना, रोहिंग्याज का मसला फिर से शुरू हो रहा है, फिर से राइज कर रहा है रोहिंग्याज वाला, हुआ क्या कि एक नाव में, लकड़ी की नाव में रोहिंग्या बैठे और इंडोनेशिया की तरफ निकल गए। आप पता है ना म्यांमार का नीचे वाला हिस्सा, वो देखो समुद्र है वहां पर, वहां से इंडोनेशिया की तरफ चल दिए वो कि चलो वहां पे जाकर के रेफ्यूज ले लेंगे, और उनकी नाव गई डूब इंडियन ओशन में, यही हुआ ना, याद आ गया कि नहीं याद आ गया, याद आ गया। तो इस पर यूएन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज ये कह रहा है कि 4,500 रोहिंग्या रिफ्यूजीज बे ऑफ बंगाल में कहीं ना कहीं गलत ढंग से मर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन हो रहा है, क्योंकि रोहिंग्यास की कहानी तो हम तुमको सुना चुके हैं, रोहिंग्या की भी कहानी में यह कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इनको सपोर्ट करती थी, ये बंगाल, सॉरी वेस्ट बंगाल नहीं कह रहे हैं, वहां पे बांग्लादेश गए, वहां से इनको बाहर किया गया, वेस्ट बंगाल कह रहा हम नहीं रखेंगे, पाकिस्तान कह रहा हम नहीं रखेंगे, अफगानिस्तान कह रहा हम नहीं रखेंगे, लोग कह रहे हैं इंडिया की इंडिया रख लो तुम इनको। और ये आपको हम बता दें कि इंडिया में इनको बंगाल गवर्नमेंट ने काफी कुछ जगहों पर बसा दिया रोहिंग्याज को, ये बात भी तय है, कोई कहने की जरूरत मुझे नहीं है। और इसकी वजह से जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, चूंकि ये लोग जैसे भी हों गरीबी है, गरीबी अपराध का कारण बनती है, ये आदतन अपराधी हैं या नहीं है इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन गरीबी से तो अपराध होता है तो ये अपराधी हो जाते हैं, और फिर ये क्वेश्चन उठता है, ठीक है। म्यांमार में ये वहां रहते थे तो इन्होंने कहा ये हमारा धर्म है कि हम गाय काट के खाएंगे, बौद्ध वहां पर है उन्होंने कहा ये गलत कर रहे हो, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो वहां से इनको भगाया गया, ठीक है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, तो ये अलग अलग जगहों पर गए, इंडिया में भी आए उधर भी जा रहे हैं। इसके अलावा यदि आप देखो तो अब कुछ देशों में जो सेकुलरिज्म की बात करते थे, जो राइट्स ऑफ रेफ्यूजीज की बात करते थे, सबके बारे में मैं कह रहा हूं, उन लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि अब हम इस तरह के रेफ्यूजीज को अपने यहां नहीं रखेंगे। इसमें फ्रांस भी शामिल है, ब्रिटेन भी शामिल है और जर्मनी भी शामिल है, ये तीन बड़ी इकोनॉमीज है ना, वैसे जर्मनी और ब्रिटेन इकोनॉमी के नाम पर तो डूब रही इकोनॉमी है और फ्रांस तो डूब ही रही है इकोनॉमी, इकोनॉमी यूरोप की अच्छी नहीं है इस समय, ये आप लगातार पढ़ रहे हो, पढ़ते समय ध्यान देना, ठीक है, इकॉनमी तो यूएस की भी अच्छी नहीं फिलहाल, ठीक है, आज एक बहुत अच्छा आर्टिकल है वो भी देखिएगा आप, वो है इकोनॉमिक्स ऑफ वॉर, पढ़ा आप लोगों से किसी ने, आज का अखबार है,
कि रशिया वॉर में है इसलिए वो चल रहा है, जिस दिन वॉर से खत्म होगा उस दिन उसकी बर्बादी लिखी हुई है, इसलिए वॉर चला रहा है अपना। ये आज का है अखबार, तीन अखबारों में निकला इस तरीके से, एक नरेटिव तैयार हो रहा है। तो ये जो मैं चाह रहा हूं कि एक तो रोहिंग्याज के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए थोड़ा सा बेहतर होगा। दूसरा, एक दिन मैंने आप लोगों को जियाओ कांग बताया था, यदि आपको याद हो तो उसको भी देख लीजिएगा ठीक से, ठीक है, क्योंकि बिना उसके आप ठीक से पढ़ोगे नहीं उसको। मेरा ख्याल इतने बहुत है आज।